व्लॉग चैनल और आज हम दोनों मिलकर करने वाले हैं Who can make more money in 24 hours challenge। और इस चैलेंज में हम दोनों को मिलेंगे 24 घंटे, जो 24 घंटे में ज्यादा पैसा बनाएगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा। ये ले 20 रुपए, तू आधे घंटे बाद स्टार्ट करेगा। ये डील भी बढ़िया है, ले लेते हैं। मैं यही चाहती थी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, लेट्स गो। तो गाइस ये रहा हमारा न्यू बिजनेस। तो मैंने अपनी नींबू पानी की दुकान यहाँ लगा दी है और अब मैं इस नींबू पानी को बेचूंगी और देखते हैं आज मेरे यहाँ कितनी सेल होने वाली है। नींबू पानी ले लो, नींबू पानी ले लो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ऐड वैड कर रहे हो क्या? ऐड नहीं कर रहे, मैंने अपनी नई दुकान खोली है, ठीक है। अभी आपको मैं नींबू पानी दूंगी 10 रुपए में। तो गाइस भैया हमारे पहले कस्टमर जो हमारी बोनी करवाने वाले है, क्या घर से बना के लाए हो क्या इसको? और इसे अपने घर से बना के लाए, ये लो। तो गाइस हमारे पास हमारी पहली पेमेंट आ चुकी है। यार निशु के गए हुए 20 मिनट हो गए और मुझे लग रहा है इतने कम पैसे लेके मैंने घाटे का सौदा कर लिया। निशु ने इससे ज्यादा पैसे ना कमा लिए बस, क्योंकि ये चैलेंज में जीतना चाहता हूँ भाई। तो गाइस मेरा सारा नींबू पानी बिक चुका है और जो मैं स्टॉक में लेके आई थी वो भी बिक गया है। तो यहाँ से तो अब हम चलते हैं, अब टाइम है और पैसे कमाने का। गाइस 30 मिनट पूरे हो गए और मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है अब। और अब मैं घर से निकल चुका हूँ पैसे कमाने के लिए और मैंने बनाया एक बहुत बढ़िया सा प्लान। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद मैं निशु को चैलेंज में हरा पाऊँ। तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर और इसकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये अपनी गाड़ी को बहुत गंदा रखता है। तो मेरा आइडिया है क्यों ना मैं आज इसकी गाड़ी को साफ करके उससे थोड़े से पैसे कमाऊँ। तो आओ शुरू करो। गाइस अभी मैंने इसकी पूरी गाड़ी पे शैम्पू लगा दिया है, अब इसको पैसे तो देने पड़ेंगे। क्या कर रहा है भाई? भाई तेरी गाड़ी गंदी थी, पूरी साफ कर दी। भाई मैंने थोड़ी बोला था मेरी गाड़ी साफ कर दे तू। चल अब हो गई है तो दे दे 300-400 रुपए। देख मैं तुझे ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा निशु का चल रहा है चैलेंज। हम दोनों में से जो भी 24 घंटे में ज्यादा पैसे कमाएगा वो जीत जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तेरी गाड़ी साफ करके थोड़े से पैसे कमा लूं। क्योंकि हम फ्री में पैसे मांग नहीं सकते, इसलिए मैंने देख काम करा भाई तेरा पूरा। बाहर देता हूं 500 रुपए लगते। चल दे देता हूं भाई, मैं 1000 लूंगा बस। 500 ही यार, समझा कर भाई। अरे नहीं यही भाई, बाहर से करा लेता मैं। चल भाई थैंक यू सो मच। अबे कहाँ जाते हो, ये तो करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ गई अपनी बेस्ट फ्रेंड गीतांशु के घर, जो कि अपना रूम हमेशा गंदा रखती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका रूम साफ करके थोड़े पैसे बना लिए जाए। तो अभी मैं बेल बजा के इसको बुलाती हूँ, उसे कुछ आइडिया नहीं कि मैं यहाँ हूँ। भैया यहाँ कैसे आज, वो भी झाड़ू पोछे के साथ? पहले गेट तो खोलो, बताते हैं बताते हैं। मेरा एक चैलेंज चल रहा है मयंक के साथ, मैं कॉम्पिटिटर हूँ उसकी। वू कैन मेक मोर मनी इन 24 आवर्स चैलेंज। तो मैंने सोचा जब तू कमरा इतना गंदा रखती ही है तो क्यों ना आज तेरा कमरा साफ करके मैं थोड़े से पैसे बना लूं। ठीक है 10-20 रुपए ले लो। 10-20 रुपए नहीं, अच्छे पैसे लूंगी काम करने के। जैसा काम वैसे पैसे। पक्का? पक्का। ये क्या है? मैं इसके 2000 रुपए लूंगी पूरे। पहले काम कर उसके बाद पैसा मिलेगा। चलो ठीक है गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कपड़ों से शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरी पहली कमाई आ चुकी है और मैं काफ़ी खुश हूँ इससे, बट इतना इनफ नहीं है, इसलिए अभी मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत है क्योंकि निशु एक टफ कंपटीशन तो देने वाली है। तो अभी और पैसे कमाने के लिए मेरे पास एक और आइडिया आया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज अपनी गाड़ी का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए और जो लोग बस का वेट कर रहे हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं, उनको ड्रॉप करने के बदले उनसे पैसे चार्ज किए जाएँ। अब देखते हैं मेरी गाड़ी में कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा। इसमें एक और रिस्क है इस चीज़ में, अगर पुलिस वालों ने मुझे देख लिया अपने प्राइवेट व्हीकल में किसी को बैठाते हुए तो हो सकता है हमारी जमानत करने के लिए आपने से किसी को आना पड़े। साफ कर दिया पैसे, खुश रहियो, जा जी अपनी जिंदगी। गाइस 2-3 लाख रुपए का काम करवा के 500 रुपए पकड़ाए हैं इस औरत ने। वेगास 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 10 रुपए नहीं कम बोल दिया, 10 रुपए ज्यादा बोलना चाहिए थे। अब रिमोट 50 रुपए सवारी 50 रुपए सवारी, जल्दी चलो। यार सवारी तो कोई मिल नहीं रही है, ऑटो वाले रिक्शा वाले मुझे घूर रहे हैं मारने के लिए, सेफ नहीं लग रहा ब्रो। फिर भी ट्राई करते हैं, अभी भी कोई मिल जाए तो कर देंगे काम।
द्वारका मोड़, द्वारका मोड़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई एक दो सवारी मुझे भी दिलवा दो आज। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, आपको द्वारका मोड़ छोड़ दूं? ऐसे भाई कहीं छोड़ दूं आपको? भाई द्वारका मोड़ जा रहे हो, आपको छोड़ दूं मैं द्वारका मोड़? अरे मैं एक चैलेंज शूट कर रहा हूँ, बस मुझे दो लोगों को द्वारका मोड़ छोड़ना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक्सक्यूज मी, तो गाइस फाइनली हमें अपनी पहली सवारी मिल चुकी है 2 घंटे के फेलियर के बाद। आप कितने पैसे देते हो रिक्शा वाले को? 20 रुपीज। हमारे यहाँ ज्यादा लगेंगे, 40 लगेंगे। मुझे तो लगा आप फ्री में छोड़ दोगे। आप रिक्शा ही ढूंढ रहे थे ना, तो रिक्शा वाला तो 20 में छोड़ रहा था। यार देखो मैं ना एक चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे भी पैसे कमाने हैं, तो मैंने सोचा अब किसी को ड्रॉप करके पैसे कमा लेता हूँ, तो प्लीज हेल्प कर दो मेरी। तो ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, I have only 10 rupees। 10 रुपए? आपका कॉलेज आगे, बहुत जल्दी उतर जाओ। तो गाइस 10 रुपए कमा पाया हूँ पिछले 3 घंटे में मैं। अब तो मैं पक्का ये चैलेंज हारने वाला हूँ। दूसरी बात, मेरा डीजल लग गया 1000 रुपए का, तो सुबह से घूमते घूमते ये काम नहीं चल सकता, और ये नहीं करूंगा कुछ और। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि यार मैं हमेशा डेयर एंड ऑल परफॉर्म करती रहती हूं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना डेयर करने के भी पैसे बनाए जाए, तो इसलिए आज मैंने अपना पर्सनल डेयर बूथ ओपन कर लिया है। आप मेरे मुंह पे केक भी मार सकते हो, अंडा फोड़ सकते हो, या पूरे मुंह पे क्लिप्स लगा सकते हो, जो आपका मन करेगा, पर पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, क्या अंडे फोड़ना है? तेज बोलो ऑडियंस को। अंडे फोड़ने हैं, अंडे अंडे फोड़ने हैं भाई को पैसों के बदले। आराम से इतने प्यार से कौन फोड़ता है यार पैसे। तो यहाँ हमको मिल गया थोड़े से पैसे, अंडे ये बदले में लेके मेरा पूरा मुंह खराब हो गया है। निशु क्या कर रही है यहाँ पे भाई? इसने कोई अलग ही लेवल का बिजनेस बनाया हुआ है, दोनों ने मिलकर आयुष ने और इसने। ओ भाई ये क्या सिस्टम चल रहा है? ये भाई हमने अपना डेयर बूथ लगाया है। मैं भी कर सकता हूँ डेयर, पर तुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे चक्की एक बोलेगा नीचे गिर जाएगा। इधर आ जाना आगे। यार कितना चंट आदमी है, मेरे साथ डेयर भी करके चला गया, मेरा मुंह भी खराब करके चला गया और मेरे को पैसे भी नहीं दिए। कमेंट करके गाली लिखो उसको, मेरी तरफ से स्पेशल वाली होगी। तो गाइस निशु का बिजनेस आइडिया देख के मुझे एक चीज तो समझ आ गई, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो निशु इस चैलेंज को जीत जाएगी। बंद कर दो धंधा, इसलिए मैं आ चुका हूँ निशु के घर पे। और अभी मेरे पास है एक बहुत ही तगड़ा आइडिया, मैं निशु का कोई आइटम, कोई भी सामान ऑनलाइन उसी के फैंस को बेचूंगा और उससे बनाऊंगा ढेर सारा पैसा। तो देखते हैं मैं निशु का क्या बेच सकता हूँ। गाइस निशु की ये जैकेट जो है वो हम बेच रहे हैं। गाइस फाइनली निशु की जैकेट का एड मैंने डाल दिया है इंस्टाग्राम पे। अब जो हमें इसका सबसे ज़्यादा ऑफर करेगा उसको हम ये जैकेट साथ के साथ पार्सल कर देंगे और उससे पेटीएम या गूगल पे भी पैसे ले लेंगे और इस चैलेंज को काश जीत जाए। तो गाइस बहुत सारे ऑफर आए थे, बट सबसे जेन्युइन और सबसे अच्छा ऑफर था खुशबू का, जिन्होंने हमारे से ये जैकेट खरीदी है पूरे 1500 रुपये में। तो जल्दी से इसे पैक करके निकालते हैं यहाँ से। ओ भाई मैं कौशिक, ये तू क्या स्टोरी डाल रहा है? क्या हुआ भाई? तूने क्या, नहीं तू मेरी जैकेट के लिए डाल रहा है सोल्ड करके? दिस इज बिजनेस। टाइम अप हो गया है, बकवास का टाइम नहीं है, जल्दी से पैसे निकाल के दिखा कितने पैसे कमाए। चला जा, तू दिखा पहले अपने, यहाँ रख अपने पैसे। 810 रुपए मेरे, देखते हैं। 530 इन कैश और 1500 रुपए आए हैं मेरे पेटीएम में, तो मैं हूँ विनर। भाई तू है चीटर, तूने मेरे कपड़े बेचे हैं। गाइस इस चीटर को रहने दो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम दोनों में से रियल विनर कौन है। और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस ओलंपटेड ऐप को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और पाओ 10K की जगह 100K अपने डेमो अकाउंट में। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड निशु यूज करते हो तो आपको मिलेगा 30% बोनस और गिफ्ट बॉक्स आपको आपके पहले डिपॉजिट पे।